दिल में थोड़ी हो रही है धक धक और तुम्हारे मुंह ऐसे लटके हुए समझ नहीं आ रही, क्रेजी हो गए सारे। दिल ये गाय कल से इतनी स्ट्रिक्ट मेरी डैडी है ना, बिना टेंशन दे खोलो गिफ्ट, आगे का पता नहीं क्या होगा लाइफ में। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप लोग सब ठीक होंगे। आपने अपना दिवाली का त्योहार, अपने सारी फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से मनाए होंगे। हमारा भी कल रात को फाइनल त्योहार हमारा निपट गया, बहुत अच्छा मना, सबको मिले, फैमिली से, फ्रेंड्स से, हमारे सारी YouTube फैमिली से जो जो हमें मिल सकते थे सैस्केटून में जो है, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड मीटिंग अस। वी आर वर्किंग फ्रॉम होम आज, मैं और जस, एंड आर्या की भी छुट्टी है तो, लेकिन आज एक बहुत स्पेशल दिन है अगेन, एंड दैट इज जस जीज बर्थडे। फिलहाल बस नाश्ते की तैयारी हो रही है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे राइट नाउ। शाम को होगी जो सेलिब्रेशन होगी, अभी हम लोगों ने बस दिन की शुरुआत करी है। एंड कल रात को हमने सब कुछ क्लीन क्लून करके सोई मैं, यू नो आई हैव OCD, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती घर, यू नो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कल ना हुआ तो फिर पूरा हफ्ता नहीं होगा, एंड द कमिंग वीक्स आर गोइंग टू बी बिजी एज वेल फॉर अस। आपको बताएंगे आगे आगे। सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया, घर साफ सुथरा हो गया, एंड वी आर रेडी फॉर अनदर सेलिब्रेशन टुडे। तो ये देखो सारा घर एकदम साफ सुथरा, यहाँ तक कि मैंने कुशन कवर भी बदल दिए, कल दिवाली के हटा के दूसरे अपने नॉर्मल वाले लगा दिए। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह आ गई है, लाइट्स उतार ली हैं, ये देखो सारा साफ सुथरा हो गया, यहाँ पे भी सारा क्लीन कर दिया। अभी टेबल क्लॉथ नहीं बिछाया, बस वो बिछा दूंगी एक दो दिन में, एंड अब नाश्ते की तैयारी हो रही है। लाडो आज बहुत अच्छे से सोई है, शीज राइट नाउ गेटिंग रेडी, हैविंग हर शावर, एंड जस जी नीचे अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा फटाफट आके हमारा जो स्टेपल ब्रेकफास्ट है, नट्स एंड कॉफ़ी, सारी फेस्टिविटीज़ के बाद। वैसे भी हमने कोई ज़्यादा मीठा नहीं खाया था कल दिवाली पे, लेकिन स्टिल उसके बाद हमने, वी आर बैक टू आर रूटीन, आर डाइट जो है नट्स एंड योगर्ट एंड ग्रैनुला, एंड साथ में है आर्या का ब्रेकफास्ट रेडी। जस जी अभी तक नहीं आए, कॉफ़ी भी बन रही है, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स बुलाना पड़ेगा, नेवर वॉन्ट्स टू लीव हिज वर्क। नीचे काम हो रहा है बड़े ज़ोरों शोरों से एज यूजुअल, नाश्ते की कोई खोज खबर नहीं है। आर्या ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, आ रही है अभी, वो ना आज लेट उठी थी कल दिवाली के बाद, बड़ा ही आराम से सोई रात को। ये आ गए हैं हमारे बर्थडे बॉय, हैप्पी 40th बर्थडे। 40 साल के बोलते बर्थडे अंकल जी, नहीं बर्थडे अंकल क्यों भैया। आइए लेट्स विश डैडा इन व्हाट्सएप अंकल, आइए लेट्स विश डैडा इन डैडा स्टोन, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आते नहीं हो आप, नाश्ता रेडी है, सुबह भैया जब भी पा के विश हुई सबसे पहले आर्यन। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू माय लव। सवेरे सवेरे डैडा नू हगी करके जब भी पा के बड़े विश हुई है। वाहिगुरु दा बड़ा शुक्र। लाडो भी उठ गया, बस अपना नाश्ता करेंगे, चलो ले जाओ अपना अपना नाश्ता सब यहाँ पे, कॉफी। कल खाई तो थी, बर्थडे है ना आज आपका, इससे कोई वजन नहीं बढ़ता। एक बार हफ्ते में हम खाते हैं, हम ना रोज, नहीं तो नट्स एंड कॉफी, बस दैट्स इट, यही होता है हमारा ब्रेकफास्ट। दिवाली चली गई, कर लो इस पे कवर कुछ। हाँ मैंने बताया सबको, मैं कहा मुझे ना OCD थी, मैंने रात को ही पूरा घर ऐसे चमका के, नोबडी विल बिलीव दैट वी हैड दिवाली, लिए मतलब ये लाइट्स को छोड़ के, ये जो ये वाली लाइट्स है ना, ये तो रहेंगी अभी, क्योंकि आज जजी का बर्थडे है। लेकिन फिलहाल हमने मेजर डेकोरेशन हटा दी है। आज मेरे को इतना बिजी है, इतना काम है, ओहो हो, मैं बड़ा लेट आया हूँ लंच के लिए, 12:30 वैसे मैं 12:15 तक आ जाता हूँ, 12:30। अब लंच की तैयारी हो रही है, लंच में है लेफ्ट ओवर पड़था और एक बन और घर की जमी दही। तो जी आर्या बहुत ही देर से, बहुत आप क्या हुआ, क्या दही है नया, मजेदार दही,
दही बहुत स्वाद लग रही है जस जी को, क्योंकि अब 1% वाली भी सक्सेसफुल हो गई है सौरभ की दया से। अब हम घर में दही जमाएंगे, ये। तो आर्या डैडा के लिए कुछ बना रही है क्योंकि आज डैडा का है बर्थडे। तो आर्या ये बहुत प्यारा सा क्राफ्ट बना रही है जो डैडा को देना चाहती है। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो लेटर लिखी है आर्या ने जो डैडा को पढ़वा रही है। हाय डैडी, आई लव यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आई लव यू सो मच, वंस अगेन हैप्पी 40th बर्थडे, लव आर्या। तो जी टी ब्रेक हो गया, फटाफट टी पी जाए, ग्रीन टी, थोड़ा सा नमकीन, केक कल का बचा हुआ, जज जी को नीचे देते हैं बिकॉज ही इज बिजी, और मैं और आर्या ऊपर है, मैं भी अपना ऊपर के ले गई हूँ अपने डेस्क पे। ये लो जी, मैंने खाना, एक मट्ठी और एक थोड़ा सा केक है। सॉरी नहीं, यू डोंट वांट टू हैव इट, यू बिजी, बहुत ज्यादा मामला थोड़ा खराब ही है। चलो कोई बात नहीं, वी लेट हिम वर्क, जिसको काम करना है काम करने दें। और हम जा रहे हैं वापस ऊपर क्योंकि अभी 2 घंटे बाकी हैं दिन खत्म होने में। लेकिन आज ये है कि चलो आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे तो मुझे रोटी नहीं बनानी। तो जी दिन खत्म हो गया है, जस का अभी थोड़ा सा काम रहता है बिकॉज ही इज जस्ट पुटिंग इन सम एक्स्ट्रा टाइम, कुछ काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया है तो जस इज स्टिल डाउनस्टेयर्स। तो मैंने और आर्या ने मिलके बाहर डेकोरेशन करने का सोच रहे हैं चुपचाप, थोड़ी सी हम डेकोरेशन लेके आए थे कल तो बस वही लगाते हैं। जस का 40th बर्थडे है एंड रब की दया से यू नो वी, हमें ये नसीब हुआ आज ये दिन एंड ही इज़ ऑल वेल एंड हेल्दी, तो मन करता है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालें और ये बर्थडे उसका यादगार बनाए। चलिए हमारे साथ तैयारी करें। And I can't help but smile, do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here? Doctor ka phone hai kya? What did he say? जज जी का ना अभी पीछे पेट स्कैन हुआ था तो अब आज फोन आना था बर्थडे वाले दिन, हम लोग इतना स्केर्ड है, बताओ जल्दी। कहते हैं इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। शुक्र है रब का, कितना शुक्र है, आर्या को देखो कितनी खुशी है। कहते हैं नो कंसर्न्स व्हाटसोएवर। तो पेट स्कैन ठीक आया? बिल्कुल ठीक। सो देयर इज नो फर्दर थिंग अब। सच अ रिलीफ एंड सच अ गुड न्यूज फॉर यू ऑन योर 40th, आज उसको मैंने बोला ना इट्स माय बर्थडे सो यू गिविंग मी अ वेरी गुड birthday present. Go enjoy your 40th. It's the best PT scan you could imagine. PET scan you could imagine. No concerns at all. Aye, shukar hai rab ka. Lymph nodes are not concerning. And there is nothing to worry about. And kehta there is nothing to worry about. Main na sun rahi thi. Main sun raha tha. Mama washroom mein the. Main apni wrestling kar raha tha. Main sun raha tha. Baat ho rahi hai. Nahin, mere ko lag raha tha. कि किसी मतलब ऑफिस के बंदे से बात हो रही होगी क्योंकि इंग्लिश में बात हो रही थी कि किसका फोन है, बट मुझे था कि 4:30 बजे तक आएगा, 4:30 से 5 के बीच में, अभी तो 4:15 हूँ। व्हाट अ रिलीफ जस जी। ओ आर्या, डेड आईज कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, रब की दया से शुक्र है रब का, बहुत शुक्र है रब का, इतना शुक्र है जितना शुक्र करा जाए उतना कम है। I really feel we are so so relief आज, आप समझ सकते हो जो इस दौर से निकले हैं कि you know final हमारा ये scan बहुत important था जो test just का हुआ है। मन में एक थोड़ा सा ना दिल ऐसा ऐसा हो रहा था कि पता नहीं क्या result आएगा, आगे का पता नहीं क्या होगा life में। Guys thank you so much, आप सबकी दुआओं का भी असर है, आप each and every one of you have prayed during this difficult time, all of you guys have supported us. You guys have cried with us and you guys laughed with us. So, आप लोग भी हमारी फैमिली हो एंड आपके साथ ये न्यूज आज शेयर करके बहुत अच्छा लग रहा है। आज बर्थडे वाले दिन वाकई रीबर्थ हुआ है आपका। आईज बंद। ओके यू कैन कम हियर नाउ। अरे कुछ भी नहीं देख रहा, मेरे को वैसे ही कुछ दिखता था। चलो चलो चलो, मेरे को चीज वैसे कुछ नहीं दिखती। आईज क्लोज। ये सब खेचल क्यों कर दे रहे हो? नहीं कर रहे कोई खेचल, कम ऑन, नो पीकिंग, ओपन योर आईज। दिस मोमेंट कैन वी स्टे हियर टुगेदर इफ आई
could stop the time. Don't you know that I would, cause I'm just... छोटी सी डेकोरेशन करी है, कुछ भी खास नहीं करा, बट वी वॉन्टेड टू मेक दिस अ लिटिल मोर स्पेशल. ये तो मेरे पहले बर्थडे पे हुई होगी डेकोरेशन. मम्मी बताएगी, ये तो अभी आएंगी तो. ओ ये क्यों मैं नहीं पहन रही? पहनना तो पड़ेगा. अभी तैयार हो जाके, गो गो गो. नहीं पहनेंगे. आर्या कहती है मैं बोलूंगा तो पहनेंगे. जाओ जाओ तैयार हो, अब सोना सोना बन जाओ पार्टी के लिए. लेट्स गो एंड सेलिब्रेट दिस स्पेशल डे. तो जी हम सब रेडी हो गए हैं एंड हमारा लिविंग रूम तो सजी गया है, आपने देख ही लिया है. मम्मी पापा की वेट है, इतना दिल खुश है ना अंदर से मैं बता नहीं सकती. हमारा जो डॉक्टर है उसने चार चांद लगा दिया इसी बात पे हमारी शाम को. आ जाओ जस जी. हैप्पी बर्थडे टू यू. बहुत ज्यादा खर्चा, कोई बात नहीं. तुम्हें एक कौन से क्रेडिट कार्ड पे लिया गया? 400 दिखा नहीं मेरे को. छोड़ो छड़ो, पैसे पुसे की फिक्र ना कितना करो. तुसी आराम नाल, तसल्ली नाल, बिना टेंशन दे खोलो गिफ्ट. That's a jacket. सबसे बड़ी बात यह है कि हम ना कभी भी एक दूसरे को कोई गिफ्ट नहीं देते ओकेजन बेस्ड, क्योंकि जो जरूरत की चीज होती है खुद ही जाके एक दूसरे के साथ ले लेते हैं. ये रिवाज हमारे रिलेशन में नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है. तो लेकिन जस्ट को ये चीज की जरूरत थी और जस्ट ले नहीं रहा था. कोई जरूरत नहीं थी, जैकेट मेरे पास, इतनी जैकेट है मेरे पास. चलो जल्दी खोलो, खोलो खोलो. आर यू न्यू एवरी बिट ऑफ द सरप्राइज? मैंने रिसेंटली एक जैकेट देखी, मैंने कहा जस को जरूरत है. पता नहीं लूज हुई तो चेंज कराना पड़ेगा साइज, बट आई थिंक दिस शुड बी फाइन. ठीक है ना? वाह, देयर इज समथिंग एल्स इन द बैग. सर्दियों में खोलो खोलो, पता था हमें आप बोलोगे ये जरूर. लेकिन ऑफ सीजन में चीज लेने का मजा आता है. बड़ी छोटी सी चीज है जो हमारी जरूरत में आएगी आगे कुछ दिनों में. इस बार इसने बहुत ज्यादा चलाकी से काम किया. बहुत चलाकी, बहुत सी शर्ट है. वेरी नाइस, खोल के देखो. थैंक यू. आएगी साइज? ठीक है, टाइट तो नहीं होगा? ठीक आएगी. दिखाओ, क्योंकि जस जी हमारे पतले हो गए हैं, अब हर कपड़ा छोटा होता जा रहा है. तो जी मम्मी पापा की वेट हो रही है, दे शुड बी हियर एनी मिनट. एंड आई कांट वेट टू शो यू द इवनिंग स्काई. इतना सुंदर व्यू है. विंटर स्काईज आर वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली प्रेरीज की. ये देखो गाइस कितना प्यारा व्यू है. दिस इज सीरियसली अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी राइट नाउ. बाहर आई थी यही देखने और थोड़ी सी मेमोरी कैप्चर करने. मनु जी आने वाले होंगे किसी भी मिनट. यहाँ से भी आप देख लो कितना सुंदर नजारा है, सबसे अच्छा लग रहा है. हाँ, और हमारे घर की लाइट्स भी ऑन हो गई हैं. अब ये ऑन रहेंगी क्रिसमस तक ना. हेलो, सत श्रीकाल, वेलकम, सत श्रीकाल अप्पा, कांग्रेचुलेशंस टू मम्मी. सबसे पहले तो माँ नु बधाई, डैडा नु बधाई, काके दी बधाई. हाँ जी, वी फॉरगेट टू ऑलवेज विश मदर्स. मदर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, लाइक अ रीबर्थ एवरी माँ गेट्स ऑन दिस डे. बधाइया मम्मी ਨੂੰ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ. ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ. ਕਾਕਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੋ. ਕਾਕਾ ਜੰਦੇ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ. ਹਾਂ, ਕੁਰਸੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ. ਫੋਰਐਵਰ ਫੋਰਐਵਰ डॉक्टर कहता कि मेनू उम्मीद नहीं सी इतनी साफ रिपोर्ट आएगी. कहता दिस इज द बेस्ट रिपोर्ट आई कुड होप फॉर. असली खुशी है. कहता दिस इज द बेस्ट रिजल्ट वी वर होपिंग फॉर. शुक्र. कहता एंजॉय योर 40th. मजा आ गया. नच्चन वाला
बर्थडे पे दादी लिखा है ना? हाँ बिल्कुल सही है दादी दादी। आ जाओ पापा आप इधर और मम्मी इधर। मैं भूल गया कि मैं क्या कहा। हाँ जी टुडे इज योर हैप्पी बर्थडे वाला हैप्पी बर्थडे। मैं तो फोन मंगा लिया कि मैं वीडियो बनाऊंगा मेरे को याद ही नहीं था। नहीं नहीं टुडे द रोल्स हैव स्विच्ड जस्ट जी वी विल डू द ऑनर फॉर यू। नेताजी को शॉल पड़ गई है। नॉटी एट 40 ना मुझे। नॉटी एट 40 ये देखो मनु जी अपने ट्रिगर दबा के बैठे हुए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। 40 इज द न्यू 20 आजकल। आर यू 10? आर यू 20? आर यू 30? आर यू 40? आई एम 8 टाइम्स 5. 8 times by 40. बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जी हैप्पी बर्थडे हो गया है और अब केक खाने की बारी है। मेरे को हॉट सीट पे बैठ के बड़े अजीब लग रहा होता है जब मैं साइड पे आता हूँ ना और हाथ में कैमरा आता है तब मैं थोड़ा सा मैं वापस आता हूँ अपनी फॉर्म में। नहीं तो मेरे को बड़ा अंदर से लग रहा होता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं नहीं हो सकता। सेंटर ऑफ अटेंशन। हाँ जी हाँ जी दूसरों को हॉट सीट पे बिठा सकते हैं हम खुद हम बैठते हैं। तो ये खाना शुरू हो गया है। सुबह दलिया खा के फोटो भेज रहा था कह रहा था मैं डाइट पे हूँ अब केक खा रहा है। मैं सोचा पिताश्री ने कभी नहीं खादा मैंने कदम टेस्ट करा स्वाद आ गया सब्जियां पाई थी ना मैं बीच में इस तरह ना आधा कर ले हम मैं तो और आधा हम वो कर लेंगे ये हटा के खा लेंगे। हाँ आधा आधा मैं पूरा नहीं खा सकता। अच्छा लगा लड्डू को? बहुत स्वाद। ये कौन सा फ्लेवर है? तीरा मसाला इटालियन। तो जब मैंने दलिया देखा मन्नू की प्लेट में मन्नू की फोटो आई हो तो मेरे को बस यही फील हुआ कि जे मिठाइयां खाते वक्त हाथ रोक लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। चलो जब जागो तभी सवेरा है। चलो ठीक है कल से इतनी स्ट्रिक्ट मेरी डैडिंग है ना। मम्मी की बेचारी की शामत है मुझे इतना पता है। मम्मी खड़ी लाते है मम्मी की दे रहे हो मैं नहीं खाऊंगा। तो केक सेरेमनी करने के बाद हम चलने लगे हैं रेस्टोरेंट खाना खाने। कल हम गए थे कौन सा रेस्टोरेंट था? सैंडवे ग्रिल जो मन्नू के मन्नू के बड़े। केक बहुत ही अच्छा था मजा आया खा के। थैंक्स टू मम्मी पापा केक लेके आने के लिए। तो मैंने और तूने और इसकी डाइटिंग है अब अभी खिचड़ी वगैरह मिल जाएगी तो हम खिचड़ी ऑर्डर कर लेंगे। अच्छा अभी आज मेरे प्यारे भाई का बर्थडे है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दलिया प्यासी तो मम्मी साथ ले चलती मन्नू हमारे सामने वहाँ बैठ के दलिया खा लेता। माइक्रो में गर्म कर दो। हाँ नेहा थोड़ी क्रेजी हो गई है। नेहा कहती है कि मैंने जलानी है फुलझड़ी। दिवाली कल थी और फुलझड़ी आज मनानी है। मैंने कहा पता नहीं क्यों भाई हमारी दिवाली आज की डॉक्टर की देन है। अच्छा डॉक्टर ने आज बोल के दिवाली बना दी है दोबारा हमारी। हेयर इज अ क्रेजी गर्ल। दिवाली कल थी और आज मनानी है फिर से। लाओ जी लाओ। हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरे बर्थडे की खुशी में पहली बार ही पटाखे चल रहे हैं। आज है ना एक्चुअल दिवाली है आज है। पटाखे भी हैं। पटाखे भी हैं वो देखो मुझे समझ नहीं आ रही क्रेजी हो गए सारे। सच में वी आर सो लकी टू हैव आवर फैमिली एट ऑल टाइम्स विद अस। रब दा बहुत शुक्र है। चलो जी चल पड़े हैं अपना डिनर करने। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। विश यू लोड्स एंड लोड्स ऑफ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। थैंक यू। लाइफ इज ब्यूटीफुल विद ऑल ऑफ यू। नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिब्रेटिंग एनी काइंड ऑफ खुशी विद योर लव्ड वंस। लाइफ इज टू शॉर्ट। लाडो हमारी पीछे है लाइट नहीं जग रही पीछे की मैं जलाती हूँ ये री। टैमरिंड रेस्टोरेंट आ गए हैं नाउ गेटिंग इन देयर।
आज वीक डे है, हम वी आर होपिंग इतना रश नहीं होएगा। वैसे ना चंगा है, हाँ हम वीक डे में आए हैं। टैमरिंड एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ हम ना बहुत ज्यादा आए हैं और अब हम फिर से आ गए हैं, मन्नू जी के कहने पे आए हैं। मन्नू कह रहा था कि टैमरिंड ही जाना है, मैंने कहा था जहाँ तेरा मन है बता दे। दस ही मिनट लगे ने वैसे, मैं लेहन कह रहा सी, मैं क्या आंदा आलस ही हुंदा है, 6:30 ने बस पहुंच भी गया। तो जी हमारा हॉट एंड सार सूप आ गया, बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ फूक मारना। हैप्पी डाइटिंग फ्रॉम टुमारो। थैंक यू। कल बड़ी भयंकर डाइटिंग शुरू है भाई साहब, बड़ी भयंकर डाइटिंग पे है कल से। मन्नू जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। संडे को तो फाइनल भी है मैच यार, वर्ल्ड का फाइनल। ऑस्ट्रेलिया जब मैं आऊंगा ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी होगी। क्या पता जब तक तू आए ऑस्ट्रेलिया घर पहुंच चुकी हो। नहीं ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी होगी, ऑस्ट्रेलिया घर सेरेमनी हो गई होगी। कप कप आ गया होगा, इसके हाथ में होगा। अच्छा, और तुम्हारे मुंह ऐसे लटके होंगे। देखो देखो क्या होता है। हाँ, नहीं ऐसी होएगा। देखो क्या होता है, देख लियो। मैं टोपी पहन के आऊंगा ऑस्ट्रेलिया की, टी शर्ट भी पहन के आऊंगा। अच्छा, और अगर हार की तभी पहन के आइयो। नहीं नहीं फिर क्या, हार की तभी नहीं, हार की पक्का बोल, हार की तभी पहन के आइयो। लेकिन तू हारेगी फिर भी पहन के। सातवां वर्ल्ड कप जीत गए, छठा भाई छठा। 2020 अपने पास दो पड़े है, दो पड़े है हमारे पास भाई। चंगा अम्मी सात नाम से रिवाइव जो जी। ओके भाई शेयर कर लो बाजी, चलिए कार चलिए, सवेरे ऑफिस जाना है अम्मी, ऑफिस जाना सवेरे। जेड़ा कदी कदी जाते ना उन्होंने बड़ी मुश्किल लगती है। 1.5 महीने 2 महीने हो गए ना। 2 महीने हो गए पूरे ऑफिस गए। चलो फ्री हो क्या जा रहे हैं। हाँ फ्री हो। ओके जी, 40th बर्थडे की पार्टी करके घर आ चुके हैं। घर टाइम हो गया 8:20, दिल में थोड़ी हो रही है धक धक कि अभी वीडियो भी अपलोड करनी है और मैंने सवेरे ऑफिस भी जाना है। 2 महीने बाद मैं ऑफिस जा रहा हूँ कल, एंड आई एम रियली हैप्पी। आज एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया है। डॉक्टर ने फोन करके जब से बताया है, एक ना मन में थोड़ी सी उमंग तरंग वापस लौट आई है। नहीं तो हर बात में ना एक शंका सी बनी रहती थी, कुछ सोचना कुछ करना कोई डिसीजन लेना सब में डर सा लगता था। आज राबदा बड़ा ही शुक्र बड़ी मेहर, मैं कहते हैं ना गुरु नानक मेरी प्याज सवारी, हर जुग जुग भगत उपाय प्याज रखदा आया राम राजे। रब ने लाज बचा ली, रब ने प्याज सवारी। जो 2-3 महीने जो पीछे निकले देवर वेरी हार्ड, मैं कहता हूँ राबदा बड़ा शुक्र बड़ी मेहर, वाहेगुरु बड़ा शुक्र बड़ी मेहर, एंड थैंक यू सो मच। एंड ये जो इन्होंने करी है ऐसे इन्होंने इतनी बेचारे बच्चों ने खेचल करी है। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट किए बिना मत जाना। अब 40th बर्थडे नेहा जी का आएगा जब अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इट जस्ट वेंट बाय। जजी की पार्टी बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ लवली पार्टी। चलो जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।